रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शानी की किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत दिनों की टिक्का मैक्रोनी, जिसके लिए हमने ये एक कप ली है बोनलेस चिकन, और ये हमने 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला लिया है, और एक लीमू उसका रस हमने निकाल लिया है। सबसे पहले हम ये इस चिकन को इस टिक्के मसाले में मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 लीमू का रस, 1 लीमू का रस इसको हम मिक्स करके चिकन की मैंने छोटी छोटी सी बूटियाँ करनी है। इसको हम आधा 1 घंटा मैरिनेट करके रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट हो गई है, अब हम अपनी मैक्रोनी बनाना शुरू करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए, मैंने ये 2 पैकेट मैक्रोनी के लिए हैं, ये एल्बो मैक्रोनी छोटी वाली बारीक वाली, ये इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, बॉयल मटर लिए हैं 1 कप, दही मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, और ये है चिली गार्लिक सॉस, ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, ये सिरका हम इसमें डालेंगे, और ये सोया सॉस, और इसमें जो वेजिटेबल्स हम डालेंगे उसमें ये है, मैंने ये लिए हैं शिमला मिर्च 2 अदद, बंद गोभी थोड़ी सी, सब्ज़ मिर्च 3-4 छोटी बारीक कटी हुई, गाजरें हमने ली हैं 2 बारीक कटी हुई, और टमाटर 2 अदद, ये 1 चिकन क्यूब लिए है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। अभी हम अपनी मैक्रोनी बनाना शुरू करते हैं। ये पानी हमने रखा है बॉयल करने के लिए, जिसमें हम ये अपनी मैक्रोनी बॉयल करेंगे। पानी में हम डालेंगे ये 1 टेबलस्पून भर के नमक, और ये 2 टेबलस्पून ऑयल के हम इसमें शामिल करेंगे। जैसे ही हमारा पानी बॉयल होना शुरू होगा, हम इसमें ये अपनी मैक्रोनियाँ डाल देंगे। पानी हमारा बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें ये अपनी मैक्रोनी डाल देंगे। ये दोनों पैकेट हमने डाल दिए, अब हम इसको जब तक ये सही अच्छी तरह गल नहीं जाती हम इसको पकाएंगे। मैक्रोनी हमारी ये देखिए बॉयल हो रही है, लेकिन अभी ये फुल डन नहीं हुई, जब तक ये सही गल जाएगी तब तक हम इसे और करेंगे बॉयल। हमारी जब तक बॉयल हो रही है, हम अपनी ये सब्जियां हल्की सी फ्राई कर लेंगे, सिर्फ गाजरे और शिमला मिर्च हम हल्की सी फ्राई कर लेंगे। यार ये गाजर और शिमला मिर्च हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये मैक्रोनी हमारी बॉयल हो गई है, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। ये मैक्रोनी हम इसमें छन्नी में डाल के ऊपर से हम इसको ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा कर लेंगे। इस तरह ये ठंडा करने से फिर ये जुड़ती नहीं है, ये बिल्कुल हम बिल्कुल इसको ठंडा कर लेंगे। ये गाजर और छन्नी में हमारी फ्राई होगी, अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसमें हम ये अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ये भी चिकन डालेंगे, जिसको हमने मसाला लगा के रखा हुआ था, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। फिर चिकन को हम पका लेंगे, थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह पक जाए। चिकन हमारी देखिए पकने वाली है बस, अब हम इसमें ये दही डाल देते हैं। दही डाल के हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। ये दही पकाने कुछ पकाने तक हम इसको पकाएंगे, 2 मिनट बस इसको हम पक देंगे। हमारी पकी है, पानी दही का खुश हो गया, अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे, साथ ही हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अभी ये हम इसमें
इतना ही चिकन क्यूब डालेंगे क्योंकि चिकन क्यूब घुलने में थोड़ा टाइम लेता है ताकि ये साथ साथ हमारा पकता है। और ये मटर बॉयल मटर है हमारे, ये डालेंगे। ये काली मिर्ची 1 टेबल स्पून और नमक, ये साथ ही हम इसमें ये बंद गोभी डाल देंगे। अभी हमारे ये शिमला मिर्च और गाजर जिनको हमने फ्राई कर लिया था अब ये डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। अभी हम अपनी मैक्रोनी इसमें शामिल करते हैं। मैक्रोनी डाल के हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये सारे मसाले और ये चीज़ें सारी एक जान हो जाए। ये देखें, ये मैक्रोनी हमारी बिल्कुल सही तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी चिकन टिक्का मैक्रोनी तैयार है। हमने इसको ये प्याज और लीमू से गार्निश किया है। ये बहुत मज़े की बनी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो पहले वाच किया करें फिर कमेंट्स और लाइक किया करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।